हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आपके समक्ष आ गई हूँ। बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा रही हूँ जिससे आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। दोस्तों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रही हूँ यूथ कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें 11,000 क्वेश्चन हैं। ये आपका सारी शिक्षा का इतिहास एवं उसके विभिन्न संगठन संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एंड दोस्तों, चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट वर्क 2-3 हो, बिहार या स्टेट हो, बीपीएससी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, केवीएस एनवीएस हो, सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पर फ्री में सभी कॉन्टेंट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ें चेक कीजिए। थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कंसिस्टेंसी पूर्वक डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ और आप सभी अपना स्कोर चेक कीजिए। यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो जैसा कि शारीरिक शिक्षा का जब भी उद्देश्य आए तो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास, यही आपका हमेशा राइट रहेगा। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। जैसे कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास। चार्ल्स ए बूचर ने शारीरिक शिक्षा के चार उद्देश्य बताए हैं: शारीरिक, मानसिक, गामक और सामाजिक विकास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व है शारीरिक गतिविधि, यानी फिजिकल एक्टिविटी। शारीरिक शिक्षा शरीर के माध्यम से शिक्षा है, यानी कि शरीर के द्वारा शरीर की शिक्षा शारीरिक शिक्षा है। इसका उद्देश्य छात्रों की शारीरिक क्षमता और गति और सुरक्षा के ज्ञान को विकसित करना है। एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली के विकास से जुड़ी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में इनका उपयोग करने की उनकी क्षमता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? तो दोस्तों, जहाँ पे शिक्षा का अभिन्न अंग शारीरिक शिक्षा को कहे हैं चार्ल्स ए बूचर। वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी परिभाषा। चार्ल्स ए बूचर ने शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का एक अभिन्न अंग कहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा के चार उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, गामक और सामाजिक विकास बताए हैं। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, याद रखिएगा। कभी कभी पुस्तक भी पूछ लिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता? तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम आता है, सेवा कार्यक्रम आता है, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल दोनों प्रोग्राम आते हैं। इंट्राम्यूरल उसे कहा जाता है जो संस्था के अंतर्गत प्रतियोगिता की जाती है, एक्स्ट्राम्यूरल दो संस्थाओं के बीच जो प्रतियोगिता होती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम आपका शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता, मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये चारों इम्पॉर्टेंट है। एंड शारीरिक शिक्षा के दायरे में आता क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटनेस एंड मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम, आत्मरक्षक क्रियाएं, बुनियादी व्यायाम, कार्यक्षमता का परीक्षण, मापन एंड मूल्यांकन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसी फेरिंग विलियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें किसके रूप में चुना गया था? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? वांछित परिणाम के रूप में चुना गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा को शुरू किया फ्रेडरिक लुडविक जान ने। किसने शुरू किया? फ्रेडरिक लुडविक जान ने। दोस्तों, फ्रेडरिक लुडविक जान जो है जर्मनी में
सारे शिक्षा को जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। एंड इनको जाना जाता है, इन्होंने टर्नवेलियन आंदोलन चलाया था। इन्होंने एक आयताकार क्षेत्र को घेरों में लेकर व्यायाम क्षेत्र बनाया था, जिसे टर्न प्लाज या व्यायामशाला कहा जाता था 1811 में। इन्होंने पुस्तक लिखा था जर्मन जिम्नास्टिक। कौन से पुस्तक लिखा था? जर्मन जिम्नास्टिक। और इन्होंने टर्नवेलियन आंदोलन चलाया था, आंदोलन के नाम से इनको जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नाइपर्स का साई में विलय कब हुआ? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी आया था आपके एमपीटेट में, ठीक है, कि स्नाइपर्स का साई में विलय कब किया गया। तो स्नाइपर्स का साई में विलय जो है कब किया गया? 1987 में। कब किया गया? 1987 में। स्नाइपर्स यानी कि SNIPES, इसको हम राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संघ यानी सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जिसको साई में मिलाया गया 1987 में। एंड नेक्स्ट है, LNCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। तो दोस्तों LNCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक आचार्य थे PM जोसेफ। कौन थे? PM जोसेफ। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई थी। एंड नेक्स्ट है, YMCA की स्थापना कब हुई थी? YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों YMCA की स्थापना हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। किसने किया था भारत में? HC बक ने। जैसा कि YMCA की स्थापना सबसे पहले 6 जून 1844 में लंदन में जॉर्ज विलियम द्वारा किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। तो डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में किस लिए प्रसिद्ध था? तो डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था एक संगीत विद्यालय के रूप में। किसके रूप में? एक संगीत विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था प्राचीन यूनान में, वो भी आपका पूर्व एथेंस काल में संगीत विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था। पुरुथेंस काल में पेलेस्ट्रा में सारे शिक्षक को पेड्रो ड्राइव कहा जाता था, और यहाँ पे व्यायामशाला को पेलेस्ट्रा कहा जाता था, जिसमें कुश्ती मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक दिखाई जाती थी। एंड बाल का प्रयोग करके सारे शिक्षा देने वाले अध्यापक को स्फेरिस्टिस बोला जाता था, और कुश्ती व मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पेनिक्रेशन बोला जाता था। भाला या जैवलिन का प्रयोग करने वाले अध्यापक को एकोनटिस्टिस बोला जाता था। धनुर विद्या सिखाने वाले अध्यापक को टोक्सोटोज बोला जाता था। अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देने वाले अध्यापक को होलोमैचोज बोला जाता था। और यहाँ पूर्व एथेंस काल में कीचड़ स्नान यानी मड बाथ काफ़ी प्रचलित था। एंड एथेंस में गरीब लोगों के व्यायाम करने के स्थान को लाइसोसार्गस बोला जाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जर्मनी में टर्नवेलियन आंदोलन की शुरुआत किया? दोस्तों तो अभी जस्ट में क्वेश्चन बताई थी, फ्रेडरिक लुडविक जान ने टर्नवेलियन आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना है? तो किसने माना है? होराल्ड एम बैरो ने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक आयामों को सारी शिक्षा के उद्देश्य तौर पर माना है, यानी कि
ब्लूम ने सारे शिक्षा के उद्देश्य के रूप में कितने आयाम बताए हैं? 3 आयाम, ज्ञानात्मक, भावनात्मक एंड क्रियात्मक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? जब भी सांस्कृतिक धरोहर की बात आए वहाँ पे आँख मूंद के आप खेल लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि खेल जो है जन्मजात होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी होती है, तो एक एक सांस्कृतिक धरोहर है, यानी कि खेल मानव की सांस्कृतिक धरोहर है, क्योंकि मानव ने जब समूहों में रहना प्रारंभ किया तो उसने जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए विभिन्न रक्षात्मक शारीरिक क्रियाओं जैसे मल्लयुद्ध, भाला फेंकना, शिकार करना आदि को सीखा। समूहों में रहने के कारण मानव सामाजिक हो गया और इसी सामाजिकता के चलते उसने विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियों और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को भी अपना लिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? ये है व्यक्ति की, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करने से जुड़ी है। शारीरिक शिक्षा की आजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में जुड़ी हुई है। एंड नेक्स्ट है, भारत में मनोरंजन आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो दोस्तों भारत में मनोरंजन आंदोलन का शुरुआत किया था प्रोफेसर जी डी सोंधी ने। इनको एशियन गेम का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि एशियन गेम को शुरू करने वाले प्रोफेसर जी डी सोंधी थे। जिस प्रकार ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेल के पितामह बैरन पियर्डी कुबर्टिन को बोला जाता है, उसी प्रकार एशियन के खेल के पितामह प्रोफेसर जी डी सोंधी को बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का? इस बात को किसने कहा है दोस्तों? इस बात को कहा है जोसेफ ली ने। इम्पोर्टेंट है, किसने कहा कि मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का? जोसेफ ली ने कहा है। एंड ब्राइट विल के अनुसार है कि खाली समय के दौरान स्वयं स्वेच्छा से व्यस्त रखना प्राथमिक रूप से इसमें आनंद प्राप्ति है, तो संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना मनोरंजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को किसने कहा है? इस बात को कहा है मैकडूगल ने। एंड नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय उद्यान सेवा जो है सरकारी निकायों द्वारा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान सेवा यानी नेशनल पार्क सर्विस सरकारी निकायों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों को द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एंड नेक्स्ट है, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। तो यहाँ पे आवश्यकताओं को, मनोरंजन गतिविधियों मानव की पूरी श्रृंखला में आवश्यकताओं को सम्मिलित करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो दोस्तों यह 1960 में कौल कपूर समिति ने अपना कार्य शुरू किया। जैसे कि कौल कपूर समिति की स्थापना 1960 में श्री एम के कौल और श्री एम एन कपूर, जो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्य थे, इन्हीं के नाम पर किया गया, कौल कपूर समिति बनाई गई। यह समिति 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में पर्यवेक्षक के रूप में गई थी और इस समिति ने कई देशों का दौरा किया। उसके पश्चात इस समिति ने 1961 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? तो यहाँ पे हिलोन डिकॉर्ड किसके अधीन? हिलोन डिकॉर्ड के अधीन 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। जैसा कि दोस्तों जो प्राचीन ओलंपिक है इसमें भाग लेने के लिए 10 माह का प्रशिक्षण आवश्यक होता था,
ओलंपिक होने से पूर्व और अंतिम एक माह तक ओलंपिक खेलों के आधिकारिक जजों के देख रेख में व्यतीत करना होता था। तो आधिकारिक गणों को हेलन डिकोई कहा जाता है, इसलिए एक महीने का अभ्यास जो लास्ट वाला होता है ओलंपिक होने से पहले हेलन डिकॉर्ड यानी आधिकारिक गणों के अधीन करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पुस्तक में गलत दिया था, यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स बेस पे है, अभिकथन ए और तर्क आर है। अभिकथन ए है कि अस्तित्ववाद परंपरागत दर्शनों के विरुद्ध अधिक प्रतिक्रिया स्वरूप है जो तात्विक सिद्धांतों में सर्वोच्च व्यवस्था तथा शाश्वत अर्थ की खोज करने की मांग करता है। एंड आर है तक कि अस्तित्ववाद में मानव जीवन में अपने अर्थ की स्वयं परिभाषा करता है और अर्थ तंग तर्कसंगत ब्राह्मण में विद्यमान होने के बावजूद तर्कसंगत निर्णय करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु ए जो है ए का आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा संस्कृति विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों उसको ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह परिभाषा कि खेल में विशुद्धतः क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है किसने दी है। तो इस परिभाषा को दिया है पीगेट ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों दोनों में मुख्य अंतर है प्रणाली का, यानी कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है जिसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक व सामाजिक गुणों का विकास होता है, और शिक्षा का अर्थ है बालक के मस्तिष्क में बाहर से कुछ भरना नहीं है अपितु उसमें जो पहले से निहित है उसी का अधिक से अधिक विकास करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कि हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। एंड नेक्स्ट है जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी। तो दोस्तों YMCA की सबसे पहली स्थापना 6 जून 1844 में लंदन इंग्लैंड में जॉर्ज विलियम द्वारा किया गया था। उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड में प्रशिक्षण की शुरुआत किया गया था। उसके बाद हेनरी क्रोबक ने भारत में 1920 चेन्नई मद्रास में YMCA की स्थापना किया, और इसी कर हेनरी क्रोबक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे दूरस्थ उद्देश्य हो जाएगा अच्छे मानव संबंधों का विकास करना, यानी कि जब आपका ओलंपिक होता है तो संपूर्ण विश्व के लोग एक जगह स्थापित होते हैं और सभी में अच्छे संबंधों का विकास होता है। इस प्रकार हम दूरस्थ उद्योग यानी दूरदृष्टि से प्रयोग करें तो अच्छे मानव संबंधों का विकास करना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है, यानी कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल नेतृत्व पर्याप्त सुविचार जो व्यक्ति या समूह को उन स्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान करती है जो शारीरिक रूप से हितकारी मानसिक उत्तेजना एवं संतुष्टि और सामाजिक हित वाली हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पे आसन नंबर डी कुंजरू समिति 1959 में डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में गठन किया गया जिसका कार्य भारत सरकार की शारीरिक शिक्षा व विद्यार्थी अनुशासन जैसी महत्वपूर्ण विधियों पर सुझाव देना था। एंड दोस्तों अखिल भारतीय खेलकूद सलाह समिति
अखिल भारत खेल सलाहकार समिति की स्थापना 1954 में हुआ था, यहाँ 1950 में दिया है तो 54 याद कर लीजिए। एंड खेल कूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना 1958 में हुआ था। एंड कौल कपूर समिति की स्थापना 1960 में हुआ था, इसलिए यहाँ पे करेक्शन मैंने कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ 1984 में देश में खेलों के विकास तथा संवर्धन के लिए व्यापक नीतिगत रूपरेखा के विकास की ओर पहली शुरुआत थी। एंड नेक्स्ट है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था कौन सी है। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। नेशनल कैडेट कॉर्प्स को भारत में लागू किया गया। यह योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 31 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी चीज़ों को मैंने क्लियर करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। दोस्तों इसी तरह मेरे साथ आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी पूर्वक डेडिकेशन पूर्वक प्रैक्टिस करते रहिए, इसके जिससे आपको हर एक चीज़ में महारत हासिल हो जाए, हर एक टॉपिक में जो भी कमियां हो उसको सुधारते रहिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों जो भी आप डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।